Hey friends, I hope you are ready for the word of God. प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के लिए आप तैयार हैं। I don't know how many of you are watching in the morning. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने इस सुबह देख रहे हैं। But first, we are here to receive Jesus. लेकिन आज हम पहले यीशु को ग्रहण करेंगे। And he speaks through Psalm 63:3. और वो हमसे बात करना चाहता है भजन संहिता 63 अध्याय 3 वचन से। Because your steadfast love is better than life. क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। My lips will praise you. मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। That's what newly married husband and wives say when they get married. और यही तो नवविवाहित जोड़े कहते हैं जब उनका विवाह होता है। They're so much in love. वो बहुत प्रेम में रहते हैं। They say, honey, oh, loving you is better than anything else in my life. मेरे जीवन में अन्य बातों से प्रियवर तुमसे प्रेम करना है। I wish we could just keep on loving each other and just living our life. और काश कि ये होता कि सिर्फ हम एक दूसरे से प्रेम करते रहते। Nothing else matters. और कुछ और मायने नहीं रखता। They get engrossed in such a love. वो इस प्रकार के प्रेम में लीन हो जाते हैं। Hopefully that continues for a long time. आशा करता हूँ कि हमेशा चलता रहे। But that's how our life should be every day. लेकिन हमारा जीवन इस प्रकार से ही प्रतिदिन होना चाहिए। Being filled with love for Jesus and love from Jesus. और यीशु के प्रेम से और यीशु के लिए प्रेम के साथ। Saying, Lord, just love me today. कहें, परमेश्वर मुझे प्रेम करें। Wrap me in your love, Lord. अपने प्रेम से मुझे ढांप लें। And help my heart be full of your love. और मेरी हृदय की सहायता करें कि उसमें आपका प्रेम आए। It happens when you praise the Lord. ये होता है जब आप उसकी तारीफ करते हैं। And just give him thanks. His love enters into your heart. और उसे धन्यवाद दें जब उसका प्रेम आपके हृदय में प्रवेश करता है। His love will fill you. उसका प्रेम आपको भर देगा। That's how Jesus lived his life every day. और इसी प्रकार से यीशु ने अपने जीवन को प्रतिदिन जिया। He sought the love of the heavenly Father first thing in the morning. पहली चीज प्रत्येक सुबह वो परमेश्वर के प्रेम को देखते थे। He made sure he was wrapped by the love of God. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो प्रेम से बांधे गए हैं। He lived his day in that love. और प्रतिदिन उस प्रेम में जीते थे। It is a step Fast love, this verse says. यही तो ये वचन कहता है जो उसका कभी ना बदलने वाला प्रेम है, हमेशा रहता है, better than life itself. जीवन से भी उत्तम. People came to question him and to break his heart. लोग आए उसके हृदय को तोड़ने और सवाल करने के लिए. People came and threatened him. लोग आए उसे डराने के लिए. Or situations came when he had to face the storms of this world. और ऐसी परिस्थिति आई जब उन्हें तूफानों का सामना करना पड़ा. But he was not shaken. लेकिन वो हिलाए ना गए. Because he was wrapped. Busy loving God. क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में बांधे गए थे। He showed it to us as a man. और उन्होंने एक मनुष्य होने के नाते ये दिखाया। Today, that's how we're going to live our life. और इसी प्रकार से आज हमें भी जीवन को जीना है। Wrapped in the love of God. उसके प्रेम में बंधे रहकर। Shall we receive it? आइए इसे ग्रहण करें। Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, Father, we are aching for your love. परमेश्वर, हमें दर्द में है आपके प्रेम के लिए। Master, so many thorns and situations, brutality might be coming. To break our heart. हमारे दिलों को तोड़ने के लिए बहुत क्रूर कांटे और परेशानियां आ रही है। Lord, our heart should be in one piece. पिता, हमारा हृदय ना टूटने पाए। We seek your love, Lord. हम आपके प्रेम को ढूंढते हैं। Your steadfast love. आपका कभी ना बदलने वाला प्रेम। Thank you for its filling every heart. हर एक हृदय को भरने के लिए धन्यवाद। Coming into every heart. हर एक हृदय में आने के लिए धन्यवाद। The great love of Jesus. यीशु का महान प्रेम। Thank you for helping us drink it in. धन्यवाद उस प्रेम को पीने में हमारी सहायता करने के लिए। We receive it, Lord. हम उसे ग्रहण करते हैं। Let nothing be able to trouble your children. आपके बच्चों को कोई परेशान न करने पाए। Let them be strong in your love. आपके प्रेम में मजबूत बने रहें। Let them overcome all things with your love. आपके प्रेम से हर एक बातों से ऊपर उठते जाएं। Call them your beloved, Lord. आप उन्हें अपने प्रियवर बुलाएं। And let them do the things of God. और परमेश्वर के कार्य को वो करने पाए। Unshaken. बिना हिलाए हुए। Unshaken. बिना हिलाए हुए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Jesus name, amen. यीशु के नाम में आमीन। God bless you with his steadfast love, my friends. परमेश्वर अपने कभी ना बदलने वाले प्रेम से आपको आशीषित करे दोस्तों। On Saturday, the November 2nd, we will be there as a family to pray for you at Bethesda Prayer Center. 2 नवंबर शनिवार को बेथेस्दा प्रार्थना भवन में हम आपके मध्य में होंगे एक परिवार के रूप में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। यह मेरी पोती आराधना है और मैं उसे बेथेस्दा ट्रेन में एक सामान की तरह उठा के रख के लेकर आई। यहाँ व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के दौरान डॉक्टर पॉल दिनकरन ने उसकी आँखों पे हाथ रखे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे छू कर उसे साफ दृष्टि दी। The old things
are passing away. पुरानी बातें बीत रही हैं. God is making a new person. परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बना रहा है. Friends, you will never be shaken. प्रिय मित्रों, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं. Come to this Bethesda blessing meeting. Bethesda आशीष सभा में सहभागी होइए. Let's pray together. आइए मिलकर प्रार्थना करें. Jesus will come. और यीशु आएंगे. And he will make you a new person as we pray together at Bethesda. और वो आपको नया व्यक्ति बनाएंगे जब हम बेथेस्दा में प्रार्थना करेंगे. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. दिनांक शनिवार 2 नवंबर दोपहर 2 बजे. स्थान बेथेस्दा प्रार्थना भवन, करुणिया नगर, कोयम्बटूर. आवास सुविधा और अधिक जानकारी के लिए तुरंत 9487846545 पर संपर्क करें. कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से कोयम्बटूर करुणिया नगर तक विशेष बस सुविधाएं उपलब्ध है. बेथेस्दा विशेष आशीष सभा में आते हैं, उसका आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त करते हैं और आनंदित होकर घर जाते हैं.